अखबार में खाली एगो फोटो रहता। जी बहुत खुश हूँ मैं, बहुत उत्साहित हूँ। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख रहा था। मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही की, एक स्कूल है यहीं पे, लोकल स्कूल है गायत्री शिक्षण संस्थान, वहीं से मैंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। और उसके बाद फिर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए BSS कॉलेजेट स्कूल है बेगूसराय में, वहाँ चला गया। वहाँ से एक टीचर हैं राजेंद्र नारायण सिंह, उनका मार्गदर्शन मुझे मिला, जिसमें उनसे जुड़ने के बाद मेरी फिजिक्स और मैथ में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ी। और फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे इंटरमीडिएट में साइंस स्ट्रीम लेना है। फिर उसके बाद मैं इंटरमीडिएट में GD कॉलेज है एक बेगूसराय में, वहीं से मैंने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। और फिर वहाँ से मैं BTech करने के लिए बाहर चला गया। BTech करने के बाद मेरी जॉब लग गई थी, लेकिन मैं उस जॉब से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था। मेरी BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में हुई थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाऊँगा। मैंने गेट एक एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, तो गेट के थ्रू मैंने NIT कुरुक्षेत्रा में एडमिशन लिया MTech में। और वहाँ से फिर मेरी रुचि PhD की तरफ बढ़ी और मैं PhD करने के लिए IIT दिल्ली चला गया। तो एक बहुत ही लंबी जर्नी रही कि BTech, MTech और PhD। इतने दिनों तक परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, खास करके जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि जॉब कब लगेगी या इतने दिनों से पढ़ ही रहे हो, कब घर में पैसे आने शुरू होंगे। जैसे भी हुआ, इधर से लेके उधर से लेके कहीं से भी जुगाड़ करके, एक जमीन का टुकड़ा था तो उसे भी बेचना पड़ा पापा को, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई में कभी कोई बाधा नहीं आने दी और पढ़ाते रहे आगे। और फाइनली PhD करने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ और मैथवर्क्स नाम की एक कंपनी में मेरी पहली जॉब लगी। तो वहाँ मैं जॉब करता रहा, लेकिन गूगल के लिए मेरी तैयारी उस समय भी चालू थी। और फाइनली मैंने इसके लिए अप्लाई किया और कई राउंड के इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन गूगल में हुआ। तो बहुत ही खुशी की बात है और पूरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी। अब मैं चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल मैं गूगल में कंटिन्यू करना चाहूँगा एक लंबे समय तक, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिलेगा जो कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव लाता है। गूगल एक ऐसी कंपनी जिसके कई प्रोडक्ट हैं, यूट्यूब है, जीमेल है, गूगल सर्च है, जो रोज़ाना के तौर पे भी लोग यूज करते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी में नए नए फीचर्स को लाना जिससे कि बहुत सारे लोग इसको अच्छे से और सुविधापूर्ण तरीके से यूज कर सकें, तो ये गूगल का मकसद है। और हम लोगों को इसमें काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करूँगा जो करोड़ लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव लाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं गूगल में कंटिन्यू करूँगा। हम तो बहुत खुश हैं और समाज को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों के प्रति वो सजग हों और बच्चों की शिक्षा पर जो है सो उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का मौका दें, उनका साथ दें और धैर्य से उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। मुझे तो इसके बचपन से ही उम्मीद थी, जो इसका पढ़ाई का सिस्टम था या जो तैयारी थी, उस तैयारी को इसने बखूबी निभाया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया और हम लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा सहयोग किया। हमारे परिवार के लोग, हमारे साथी लोग थे, शिक्षक साथी, उन लोगों ने भी मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया।